100 ग्राम, मात्र 100 ग्राम वजन की बात थी, तो ये उनके पदाधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी हरकतें ना हों। वो तो बेचारी रात भर मेहनत करती रही कि चलो यार 100 ग्राम किसी तरह से घट जाए मेरा। ओलंपिक जो वो लोग वेट जो तोलते हैं मापते हैं उनका गलती है। स्पोर्ट्स है, नियम सबके लिए बराबर होते हैं, राजनीति नहीं होती है इसमें ना कि भाई नहीं उसका उसका 4 वोट इधर निकाल लो, 5 वोट उधर कर लो, ये कर लो, वो सब पॉलिटिक्स में चलता है। स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्समैन ये समझता है इस चीज़ को। ओलंपिक में इस तरह के पता नहीं रूल्स कैसे बने हैं, क्यों बने हैं। उसको मानिए कि वो आपके कंट्री की है और विनेश फोगाट किसी दूसरे कंट्री की, तब आप क्या कहते हैं? तब तो आप कहते हैं ना कि हाँ नहीं उसको हमको चांस मिलना चाहिए, क्यों उसको चांस मिल गया? उन्होंने जीता है, पूरे भारतवर्ष का दिल जीता है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व का दिल जीता है उन्होंने। दुनिया भर के जिनको खेल का ख नहीं आता है, गेम्स का जी नहीं आता है, वो लोग टीवी पे बैठ के अपने दुनिया भर की बाइट दे रहे हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो गया, वैसा होना चाहिए था और ये इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। जब आपका एक खिलाड़ी जो है वहाँ फाइनल तक पहुँचता है और उससे पहले ही 100 ग्राम के लिए निकल जाता है तो सबको दुख होता है, क्योंकि उनको एक बार फिर से इस महायुद्ध में कूदना चाहिए। उनका है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। हमारे लिए पूछो तो हार्ट ब्रेकिंग है, विश्व विजेता है और पूरे भारतवर्ष को आप पे गुमान है। मेरे हिसाब से रुकना चाहिए था, एक बार और रुक जाती, एक बार और मेहनत कर लेती, फिर होता है भाई उम्र है, एक दिन तो जाओगी। सर तो आप पेरिस ओलंपिक 2024 फॉलो कर रहे हो? यस, वी ऑल आर फॉलोइंग दैट, यू नो लाइक। या बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। आप ना? जी बिल्कुल। हाँ जी मैं देखता हूँ। तो सर अगर हम बात किया जाए कि करें वेट लिफ्टिंग की, तो कल मीरा भाई हार गए, फोर्थ आई, और ये फोर्थ पोजीशन हमारे लिए काफ़ी अनलकी रहा क्योंकि हम बहुत सारे स्पोर्ट्स में फोर्थ आकर के रह जा रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऑब्वियसली अगर आपके स्पोर्ट्समैन अच्छा नहीं करते हैं तो आपको दुख तो होता ही है, सभी को दुख होता है, और जिस तरह से ओलंपिक में हम लोग जो लेके आ रहे हैं जितनी सारी जो मेडल्स हैं तो बहुत ही मतलब एक्सपेक्टेशन पे हम लोग खड़े नहीं उतर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, तो जो ये हार होती है तो निराशा तो होती ही है। देखिए इसके लिए मैं ये बोलूँगा, पहले तो भारत में जब ओलंपिक गेम होता था तो पता भी नहीं चलता था कब आया कब गया, है ना। लेकिन अभी जो अभी का जो माहौल है भारत में ओलंपिक को लेकर के जो क्रेज़ बढ़ता जा रहा है वो ठीक है, अभी 4th नंबर पे, 2nd नंबर पे या 3rd नंबर पे हम लोग रह जा रहे हैं, लेकिन वो भी टाइम आएगा, बहुत जल्द आने आ ही रहा है, और फिर लगातार हम लोग गोल्ड मेडल रजत पदक जो भी है सब हम लोग जीतते रहेंगे। असफलता ये सिद्ध करती है कि सफलता पूर्णतया नहीं की है, लेकिन पूर्णतया करने के लिए फिर से कोशिश करेगी। अभी कांस्य आया है, जो भी मेडल आए हैं, लेकिन हाँ गोल्ड तो इंडिया ही लेके आएगी। देखिए मैच डे के दिन आप कोई कारण नहीं बता सकते कि मैच डे के दिन स्पोर्ट्समैन किस मेंटल उसमें है, उसकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है, या ये तो स्पोर्ट्समैन ही बता पाएगा। ये कोई कारण आप इसमें पिन पॉइंट करके नहीं निकाल सकते कि नहीं उसने ये वेट ऐसे उठा दिया था तो उसने वो अली स्टिक्स है ऐसे उसने मार दिया था, ये नहीं हो सकता। वो तो स्पोर्ट्समैन बेटर जानेगा ना यार, जो आप क्या नाम है इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं सब के सब। हॉकी का मैच आप देखो, हम उसके क्या जर्मनी के साथ 2-2 बराबर थे, हम लास्ट मोमेंट पे आके उसने हिट लगाई, इत्तेफाक से वो गोल में चला गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि स्पोर्ट्स में क्या हो जाएगा, क्यों हम जीतेंगे ही जीतेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी होता। अभी आप देखो श्रीलंका ने इंडिया को, वर्ल्ड चैम्पियन इंडिया, वही सारे प्लेयर्स खेले और हम 2-0 से हार गए हैं, 1-1। तो स्पोर्ट्स में आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस वजह से हो गया, इस वजह से हुआ। तो सर अभी जैसे मीराबाई चानू के बारे में कुछ कहना तो मतलब हम लोगों की तो औकात ही नहीं है यार। वी आर नोबडी टू से एनीथिंग अबाउट, मतलब चाहे नीरज हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे विनेश फोगाट हो, चाहे कोई, मतलब हम तो कुछ, हमारी औकात ही नहीं कि हम उन लोगों के बारे में कोई कमेंट कर सकते। अगर बात की जाए विनेश फोगाट की तो वो फाइनल में पहुँच चुकी थी, बट उनको किसी कारणवश जैसे वो 100 ग्राम ओवरवेट थी तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया फाइनल मैच से, तो इस पर आपका क्या कहना है? मैं वही सोच रहा हूँ 2 दिनों से, कि जब से मैं न्यूज़ सुना हूँ कि यार पहले भी उन्होंने सबको तो हराया है, हरा करके उन्होंने फाइनल में पहुँची है, तब तो उनका वेट गेन नहीं हुआ होगा। अगर हुआ भी होगा, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो है ना, अब क्या बोलूँ, ओलंपिक जो वो लोग वेट जो तोलते हैं मापते हैं उनका गलती है, क्या है नहीं है मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ उनको फाइनल में गए अगर अब तो
हो गया जो होना था, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि विनेश जी आप गोल्ड क्या उससे बड़े आभार लेकर के आप आ रहे हो, क्योंकि फाइनल में पहुँच गए हो, पहुँच गई थी, भले आप मतलब हार का तमगा तो नहीं लगा ना, है ना, उन्होंने जीता है, पूरे भारतवर्ष का दिल जीता है, और भारत ही नहीं पूरे विश्व का दिल जीता है उन्होंने। देखिए क्या है कि ये अंदर की राजनीति भी हो सकती है कि जो भी उनके लोग हैं, जो उनकी कार्यकारिणी के सदस्य लोग हैं, उनको ये बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक खिलाड़ी का फोकस रहता है लक्ष्य कि उसे गोल्ड चाहिए। अब जो उनकी मेजोरिटी है कि वो क्या 100 ग्राम मात्र 100 ग्राम वजन की बात थी, तो ये उनके पदाधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी हरकतें ना हों। नियम क्या कहता है भाई? आप मुझे एक बात बताइए, आप उसकी जगह पे, विनेश फोगाट की जगह पे, वो जो जिसके साथ वो लड़ने वाली थी उसको रखिए, उसको मानिए कि वो आपके कंट्री की है और विनेश फोगाट किसी दूसरे कंट्री की, तब आप क्या कहते हैं? तब तो आप कहते हैं ना कि हाँ नहीं, उसको हमको चांस मिलना चाहिए, क्यों उसको चांस मिल गया और हो जाना चाहिए था? ऐसा नहीं होता, स्पोर्ट्स है, नियम सबके लिए बराबर होते हैं, राजनीति नहीं होती है इसमें ना कि भाई नहीं उसका 4 वोट इधर निकाल लो, 5 वोट उधर कर लो, ये कर लो, वो सब पॉलिटिक्स में चलता है। स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्समैन ये समझता है इस चीज़ों को। आप सबके, आप अगर शायद टीवी देख रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, दुनिया भर के जिनको खेल का ख नहीं आता है, गेम्स का जी नहीं आता है, वो लोग टीवी पे बैठ के अपने दुनिया भर की बाइट दे रहे हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो गया, वैसा होना चाहिए था, और ये इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया। आपने फोगाट का सुना, आपने विनेश फोगाट का सुना, उसने कुछ कहा क्या कि नहीं ये गलत हो गया है, नहीं मुझको दूसरा चांस मिलना चाहिए, मुझको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए? वो तो बेचारी रात भर मेहनत करती रही कि चलो यार 100 ग्राम किसी तरह से घट जाए मेरा, नहीं हुआ। अब है मुकद्दर था, मैं ये कह सकता हूँ भाई हमारा मुकद्दर नहीं था, बस और कुछ नहीं। सर वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उस पर जाँच भी होने वाली है, और ओलंपिक में इस तरह के पता नहीं रूल्स कैसे बने हैं, क्यों बने हैं, और उस पर बहुत वर्ल्ड लेवल पे उस पर और कंट्री में जो क्या क्या हो रहा है उस पर तो जांच होनी ही चाहिए, क्योंकि जब आपका एक खिलाड़ी जो है वहाँ फाइनल तक पहुँचता है और उससे पहले ही 100 ग्राम के लिए निकल जाता है तो सबको दुख होता है, क्योंकि हम लोग एक अगर एक देशवासी के तौर पे सोचते हैं तो चाहते हैं कि आपका देश जो है ना हर चीज़ में आगे हो, तो दुख तो होता ही है, सभी को दुख होता है, उस पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी हो रही है हर चीज़ पर। विनेश फोगाट ने लाइक वेट लिफ्टिंग जो रेसलिंग था उससे रिटायरमेंट ले लिया है, आपको लग रहा है उनका ये डिसीजन सही था कि उन्होंने लाइक या फिर कुछ जल्दबाजी कर दी रिटायरमेंट लेने में? देखिए सबका अगर उन्हें लगता होगा कि यार मतलब उनका एक सपना होगा कि मैं इस बार गोल्ड मेडल जीत जाऊंगी, उन्हें पूरा भरोसा हो, जिस तरीके से वो बीमार पड़ गई अचानक, जैसे पता चला कि वो 100 ग्राम मतलब वेट उनका गेन कर गया, और जैसे उन्होंने मतलब होता है ना डिस्क्वालीफाई हुई तो अचानक वो बीमार पड़ गई, तो उन पर प्रेशर माइंडली थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता होगा, तो उन्होंने डिसीजन ले लिया होगा भाई इससे सबसे बेहतर कि ले लूँ। हम लोग को भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप विश्व विजेता हैं और पूरे भारतवर्ष को आप पे गुमान है, और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से होंगे। ये खिलाड़ी के लिए तो हमेशा दुखदायी होता ही है जब वो रिटायरमेंट लेता है, पर वो किस कंडीशन में है और किस तरह से उन्होंने लिया है, अभी तो वो खेल सकती थी बहुत ज़्यादा, तो मैं तो चाहूँगा कि हर स्पोर्ट्समैन है जो अपने देश के लिए इतना जो खेल रहा है, इतना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, और रिटायरमेंट तो हमेशा खिलाड़ी के लिए जो है ना दुखद होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो आगे काम नहीं करेंगी, है ना, बतौर जितने भी खिलाड़ी रिटायर्ड हुए हैं वो लोग उसके बाद भी एक तरह से एज ए कोच और कमेंटेटर काम करते रहे, तो ये तो अच्छा नहीं लगता है जब आपका कोई खिलाड़ी रिटायर हो जो पीक पे हो अपने खेल के, तो इट्स रियली सैड फॉर एवरीवन, यू नो लाइक। देखिए डिसीजन अगर उन्होंने लिया है तो पब्लिक की नज़र से तो डिसीजन ठीक नहीं है, उनको एक बार फिर से इस महायुद्ध में कूदना चाहिए। उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया रेसलिंग से, तो आपको लगता है कि ये डिसीजन उनका सही था कि उनको थोड़ी जल्दबाजी कर दी? उनका है, वी शुड रिस्पेक्ट दैट। हमारे लिए पूछो तो हार्ट ब्रेकिंग है, नहीं मतलब अभी उनको रुकना चाहिए था, चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हूँ, इतनी बड़ी प्लेयर हैं, मैं क्या उनको मतलब एडवाइस मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी प्लेयर हैं उनको रुकना चाहिए था, मेरे हिसाब से रुकना चाहिए था, एक बार और रुक जाती, एक बार और मेहनत कर लेती, फिर होता है भाई उम्र है, एक दिन तो जाओगे ही जाओगे,
एक दिन तो आपको खेल छोड़ना ही पड़ेगा। इतने बड़े बैट्समैन सुनील गावस्कर रहे, एक दिन छोड़ा ना उन्होंने, कपिल देव ने छोड़ा और बाकी लोगों ने छोड़ा।